एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग पे। और गाइज, आज है वैलेंटाइन डे और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए बिग बाज़ार। हम हैं और मेरी दोनों बहन और उधर मेरा भाई, हम लोग सब जा रहे हैं। जाने वाले थे पापा के साथ लेकिन पापा को कहीं काम पड़ गया तो फिर हम लोग ही घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और आज के दिन बिग बाज़ार बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और बहुत ही अच्छा सीन भी है वहाँ पे। धनबाद में तो कोई खास जगह है नहीं घूमने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं बिग बाज़ार ही। तो चलिए चलते हैं, उसके फिर बहुत ही इन्जॉय करेंगे हम लोग चारों मिलके, तो फिर आप लोग को भी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और ऑटो में हैं, इधर दोनों बहन बैठी है, इधर हम लोग हैं। हाय कर लो। तो अभी जा रहे हैं रास्ते में, अभी कॉलेज के पास पहुँचे हैं। चलो चलो चलो, चलो। ये है बिग बाज़ार का व्यू और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये वैलेंटाइन डे स्पेशल है। अच्छा व्यूज़ है यहाँ का, पूरा डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। और इधर ये मैडम चश्मा उश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवा रही थी इसलिए, लेकिन अब तक चश्मा नहीं उतारी है। और नीचे भी बहुत ही सुंदर सजाया जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और अभी ऊपर जाएंगे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन डे है, तो कपल्स लोग तो हैं ही और साथ साथ फैमिली लोग भी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग धनबाद से हैं तो घूमे ही होंगे, और अगर धनबाद से नहीं है तो धनबाद का सबसे बड़ा मॉल है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, सब फिर दिखाते हैं आप लोगों को ऊपर का सीन। देखिए गाइस, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये सजावट इसका, और भीड़ भी आप देख सकते हैं नीचे कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे बॉक्स वॉक्स भी लगा है, पता नहीं डांस वांस भी होगा क्या कोई कार्यक्रम भी हो सकता है। इधर जाओ सिद्धि। दोनों मैडम फोटो खिंचाने में ही पता नहीं कहाँ बिजी है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अलग से कॉस्मो बाजार से। ये कितना सुंदर लग रहा है ये हाथी। पोज मारो, पोज मारो। तो हम लोग अभी जाएंगे ऊपर। चलो आकाश, यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए भी वेट करते हैं सब। ये बलून बूम, नेल बहुत बड़ा है डांस। बैग बैग दो। Bye.
हम लोग यहाँ से घर ही जाने वाले थे, पर पता चला है कि यहाँ पे शाम के 4 बजे से कोई प्रोग्राम होने वाला है जो कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, और बहुत ही मतलब प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, देखिए प्राइज़ वगैरह रखा हुआ है, तो सोचे कि क्यों ना आए हैं तो उसको देख कर ही जाए, तो हम लोग वेट कर रहे हैं प्रोग्राम होने का। देखने को तो हमारे पास नज़ारे बहुत थे, देखने को तो हमारे पास नज़ारे बहुत थे, दिल बहलाने को तो चेहरे प्यारे बहुत थे, दिल बहलाने को तो चेहरे प्यारे बहुत थे, तुम्हारे बाद हमने सहारों की तलाश छोड़ दी, तुम्हारे बाद हमने सहारों की तलाश छोड़ दी, तुम्हारे बाद हमने जाना कि हम बेसहारे बहुत थे। तुम हमको दगा देते हो, हम तुमको दगा देते हैं, न जाने दिल की आग को क्यों हम दोनों हवा देते हैं, इतनी भी दगाबाजी न बढ़ जाए हम दोनों के दरमियाँ कि तुम खुद को सजा देते हो, हम खुद को सजा देते हैं। एक शेर जरा गौर से सुनिएगा। शोहरत की तलाश में बदनाम हो गए, शोहरत की तलाश में बदनाम हो गए, गुलामी कर ली मंजूर और गुलाम हो गए, हम मिले भी और बिछड़ भी गए, हम मिले भी और बिछड़ भी गए, सोचता हूँ एक ही जिंदगी में कितने सारे काम हो गए। काश समंदर को अपने प्यास के काबिल बना सकता मैं, काश समंदर को अपने प्यास के काबिल बना सकता मैं, हवाओं का जोर चलता नहीं इस आग पे, हवाओं का जोर चलता नहीं इस आग पे, काश इस दिल की आग को बुझा सकता मैं। मैंने तुम में जिंदगी ढूंढी और मेरी जिंदगी ने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम में जिंदगी ढूंढी और मेरी जिंदगी ने तुम्हें ढूंढा, काश ऐसा हो सकता तुम्हें अपनी जिंदगी बता सकता मैं। ना जाने किन किन नामों से तुम्हें पुकारा, लाल परी गुलाब परी वगैरह वगैरह, मगर एक हकीकत जानती हो, खुदा ने तुम्हें ऐसा भी कोई हूर ना बनाया। तुमने तो हमें लूट लिया मगर जरा देखो शराफत हमारी, तुमने तो हमें लूट लिया मगर जरा देखो शराफत हमारी, जमाने के आगे हमने तुम्हें चोर ना बनाया, खामोशी का रास्ता अपना लिया हमने तो फिर हमारे अल्फाजों ने शोर ना मचाया। दिल क्या है, अरे दिल क्या है, कोई खिलौना है क्या, दिल क्या है, कोई खिलौना है क्या, किसी को भी खेल कर यू जाने मत दो। तो गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, अंदर प्रोग्राम अभी चल ही रहा है, तो बीच में हम मम्मी पापा को कॉल करके बुलाए थे तो वो लोग भी आए थे, तो अब जाना है घर, तो आकाश और पापा दोनों बाइक से जाएंगे, हम लोग ऑटो से। तो पापा और आकाश दोनों बाइक से निकल गए क्योंकि पापा के पैर में चोट था, तो बाइक पर ज़्यादा आदमी जा नहीं सकते थे, और इधर राधा मम्मी सिद्धि हम चारों ऑटो से जा रहे हैं, तो उसके बाद जाते हैं घर, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, और मेरा लाइव क्यू एन ए का टाइम भी पार हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जाना है घर हम लोग को, तो उसके फिर लाइव क्यू एन ए भी करना है। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे हम लोग, और उसी में मेरा लाइव क्यू एन ए सेशन भी था 7 बजे का, जो कि मैं वहां से आई और फटाफट लाइव क्यू एन ए का जो सेशन है उसे मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि मैं उसमें टाइम दी थी 3 बजे और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो 3 बजे को छोड़ के मैंने फिर वहाँ पर 7 बजे टाइम चेंज किया, लेकिन 7 बजे तक भी मैं घर नहीं पहुँच पाई, तो जो कि मैं जब लाइव क्यू एन ए में आई तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, और मैं 7:40 में लाइव क्यू एन ए किया है मैंने, तो उसके लिए सो सॉरी। तो वो जो कि है आ चुका है मेरे खुशी मिक्स वाले उस चैनल पे मैंने लाइव आया था, और ये जो वैलेंटाइन डे आज था और फुलवा अटैक का आज के दिन ही हुआ था,
तो बिग बाजार में आज बहुत ही अच्छा मतलब डेकोरेशन था। तो हम मैं पापा के साथ जाने वाली थी वहां पे घूमने के लिए। मैंने पापा को कहा तो पापा बोले कि ठीक है चलेंगे, लेकिन अचानक से उनका कुछ कॉल आ गया काम किया, तो वो काम के लिए मतलब चले गए। तो हम और मेरा तीनों भाई बहन, मतलब वो चार भाई बहन है, तो तीनों चारों हम लोग गए बिग बाजार घूमने के लिए। तो वहां पे घूम घूम लिए, जितना एंजॉय करना था कर लिए। फिर हम लोग वहां से रिटर्न आ रहे थे तो पता चला कि वहां पे कोई फंक्शन होने वाला है, 4 बजे से स्टार्ट होगा। तो उस टाइम 2 ही बज रहा था, फिर 2 घंटा इधर उधर घूम घूम के काटे। उसके बाद फिर 4 बजा तो फंक्शन स्टार्ट हुआ। तो फिर हम कॉल किए पापा को, तो पापा तब तक घर आ चुके थे। तो फिर पापा को बोले कि मम्मी को लेकर आइए, तो पापा मम्मी को लेके भी गए थे। और फिर हम लोग सब वहाँ पे थे, बहुत ही इंजॉय हुआ। और सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था बिग बाजार में। एक्चुअली बिग बाजार जो कि है वो ओजोन गैलरिया के अंदर आता है, क्योंकि उसी के अंदर जितना भी मॉल्स वगैरह सारा आता है, फूड फैक्ट्रीज है, उसके बाद केक्स एंड बेक्स है, फिर बिग बाजार है, ये सारा कुछ उसी के अंदर आता है। रिलायंस है, फिर कॉस्मो बाजार है, ये सारा। तो मतलब सब लोगों ने मिलके एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, तो वही था आज सिंगिंग कंपटीशन का। और कोई चीफ गेस्ट थे जो कि मतलब एक कोई सिंगर थे, तो उसका जो कि है मतलब मैंने इस वीडियो में जितना भी ये हुआ था, परफॉर्मेंस हुआ था, वो सारा मैंने एक बार में नहीं डाला है, क्योंकि टोटल 2 घंटा के आसपास का है वीडियोस। तो इसमें मैंने बस थोड़ा थोड़ा झलक दिखाया है आप लोग को। अगर आप लोग को इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ इसका पूरा वीडियो चाहिए, जो कि सिंगिंग हुआ मतलब गाना जो सब गाया था वो, उसका परफॉर्मेंस का बहुत ही अच्छा अच्छा सब गाना गाया था। और कुछ कुछ गाना ऐसा था कि जो कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और पूरा ऑडियंस एकदम चेयर कर रहे थे, जितने भी ऑडियंस थे सारा, तो बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं उस वीडियो को भी पोस्ट करूंगी। ऐसे मैं उसको नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा था इसलिए, और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये जो ब्लॉग वीडियो है वो पसंद आए तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और खुशी मिक्स वाले चैनल पे मुझे इतना लव और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल पे भी मेरा वैसे ही लव एंड सपोर्ट दिखाइए। और जो कि लाइव क्यू एन ए का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है खुशी सिंह 4510। और जो कि मेरा जो वो चैनल है अगर उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।